गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको विशेषण से परिचित कराया था, यानी कि एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव होते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्द, यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं किन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, किसके बारे में कि कैसी है, कितनी है, तो वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण हम जानते हैं कि चार पंखे हैं, ऊँची बिल्डिंग है, और सुंदर फूल है, लाल किताब है, गोल चश्मा है, नई मेज है, तो नई, गोल, लाल, ये सारे शब्द विशेषण है। किसी के आकार के बारे में बात करोगे तो विशेषण है, किसी के रंग के बारे में बात करोगे तो विशेषण है, किसी के स्वाद के बारे में, टेस्ट के बारे में बात करोगे तो विशेषण है, किसी के भार, वजन के बारे में बात करोगे तो विशेषण है। हम कहते हैं किसी के आकार, मोटा, पतला, छोटा, विशेषण है, मीठा, खट्टा, कड़वा, विशेषण है। विशेषण मतलब बहुत सारे शब्द जो किसी भी चीज़ के बारे में बोले जाते हैं कि वो कैसा है, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो विशेषण कहलाते हैं। ये हमने समझ लिया था। अब जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो एक शब्द और आता है, वो होता है विशेष्य। तो जब भी विशेषण का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो विशेषण और विशेष्य दो शब्दों का होना बहुत आवश्यक होता है, वो आते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दुविधा में आ जाते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, विशेषण का मतलब होता है कि विशेषता बताने वाले शब्द, जो भी अच्छाई जो भी बुराई बता रहे हो आपके, वो कौन कितना है, वो वाले शब्द सब विशेषण ही होते हैं। जैसे ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, चार, छः, लाल, पीला, नीला, चौकोर, और मीठा, खट्टा, सब विशेषण शब्द हैं। लेकिन विशेष्य क्या है? विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे हम एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, पेड़ बड़ा है, सॉरी, पेड़ बड़ा है, पेड़ लंबा है, पेड़ छोटा है, दो पेड़ हैं। तो हम पेड़ के बारे में बात करें कि वो लंबा है, छोटा है, बड़ा है, दो है, चार है, तो पेड़ क्या है? विशेष्य है। और बड़ा, लंबा, छोटा, वो सारे शब्द विशेषण हैं। यानी कि यहाँ हम देखते हैं, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विशेषण और विशेष्य। ऊंची इमारत, तो यहाँ पर ऊंची शब्द क्या है? विशेषण है, है ना? इमारत कैसी है? ऊंची है। फूल सुंदर, मतलब फूल कैसा है? सुंदर है। थोड़ा पानी, पानी कितना है? थोड़ा है, ठीक है। फिर है दो किताबें, किताबें कितनी हैं? दो हैं। फिर है यह बालक, बालक कौन सा है? यह बालक। तो यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द हैं, जैसे इमारत कैसी है? ऊंची। फूल कैसा है? सुंदर। पानी कितना है? थोड़ा। किताबें कितनी हैं? दो। और बालक किस कौन सा है? यह। तो यहाँ पर ये जो सारे रेखांकित शब्द हैं वो विशेषण हैं, और ये सारे शब्द विशेष्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में बात की जा रही है। जिनके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य, जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके कि जिनकी विशेषता, जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि हमने देखा इमारत के बारे में हम बोल रहे हैं कि वो ऊंची है, यानी कि हम इमारत की विशेषता बता रहे हैं, तो इमारत क्या हो गई? विशेष्य। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देने देती हूँ, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल दे देते हैं हम, ऊंची इमारत, ऊंची इमारत, तो ऊंची विशेषण है और इमारत क्या होगा? विशेष्य। इमारत होगा विशेष, ठीक। तो यहाँ यही याद रखना है कि जो ये शब्द होते हैं रेखांकित, वो विशेषण होते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन वो किसके बारे में बताए गए हैं?
इमारत के बारे में या किसी के भी बारे में, तो जिनके बारे में बताए जाते हैं वो होता है विशेषण। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ताकि जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं आप उनका उत्तर आसानी से दे पाएं। अब विशेषण के भेद और उनका अभ्यास हम करेंगे अगले मॉड्यूल में। फिलहाल आप इतना दोहरा लीजिए और चाहे तो अपनी नोटबुक में इसे लेबद्ध भी कर लीजिए। सेहत का ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। टेक केयर, बाय।